इंदौर की पोश कॉलोनी श्रीजी वैली में 6 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 3 से 4 घरों को अपना निशाना बनाया है, जहां उन्होंने घर में रखे सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने घटनास्थल से CCTV फुटेज बरामद की है, जिसके आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। भैया मैं कल भोपाल निकली थी 2 बजे, मेरे बेटे का टूर्नामेंट था तो मैं भोपाल, हम लोग कल 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं और सुबह हमारे भाई पास में रहते हैं तो उनका फोन आ गया 5 बजे। वो ऑफिस जा रहे थे तो उनने देखा कि दरवाजा खुला है मेरा, तो उनने मेरी भाभी को उठाया और बोला कि क्यों दीदी आ गई है क्या? तो इसने बोला नहीं, आज तो आई नहीं सकती थी क्योंकि आज फंक्शन था। तो फिर दोनों ने आके देखा तो उन्होंने देखा कि अलमारी वगैरह सब बिखरी पड़ी है, तो उनने फिर मुझे तुरंत 5 बजे सुबह फोन किया, 5-7 पे। तो फिर मैं निकल आई वहां से, हम लोग 1 घंटे बाद निकल आए क्योंकि वहां पे धुआं बहुत होता है ना भोपाल में, फॉग। तो उसके बाद में फिर रास्ते में जब हम लोग आए तो फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या गया। इन लोगों ने फोटो वगैरह भेजी तो उससे पता चला कि करीब 3-3.5 लाख का गोल्ड, सिल्वर और कैश गया है। श्रीजी वैली बिचोली मर्दाना स्थित निवासी जो है शशिभूषण पांडे, उनके द्वारा सूचना दी गई कि कल दिनांक को वो किसी अपने पारिवारिक काम से अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ भोपाल गए हुए थे। उनके पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई कि उनका घर का जो है लाइट चल रही है और ताला टूटा हुआ है, जिस पर उनके द्वारा चेक किया गया तो पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में रात में जो है घुसकर करीब नकदी 15,000 रुपये और कुछ जो है उनके सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण जो है चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर कि घटनास्थल की तस्दीक की गई है, निरीक्षण किया गया है, जिसमें CCTV फुटेज में कुछ व्यक्ति जो है संदिग्ध दिख रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर और मामूल मुखबिर किए जाकर जल्द ही आरोपियों का और संपत्ति की रिकवरी की जाएगी एवं आरोपियों का पता लगाया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।